सब भाइयों और बहनों को, सब लोगों को हमारे कर्नाटका वुमेन वीएलई सोसाइटी में स्वागत है, सुस्वागत है। सबसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, सबसे एक आवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कर्नाटका वुमेन वीएलई सोसाइटी को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हम लोग इंफॉर्मेशन सामने वालों को देंगे, उतना ज़्यादा हम लोग अपने बारे में और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं मिली हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे सीएसई की तरफ से बहुत लोगों का रोजी रोटी हो रहा है। जो लोग गांव में हैं, बहुत अंदर हैं, मतलब गांव के बहुत अंदर हैं, भीतर हैं और शहरों में है, जिन्होंने पढ़ा है लिखा है लेकिन काम नहीं मिला है, उन सब लोगों को एक उद्योग मिला है। तो मैं इसके लिए प्रत्येक रूप से हमारे मोदी जी को और हमारे दिनेश त्यागी जी को अभिनंदन करता हूँ और उनको ना हमारे तरफ से दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से, उनकी बदौलत हमारे सीएससी की तरफ से बहुत लोगों को रोजी रोटी मिली है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें आपको जो ये ऑटो और हमारी टैक्सी के बारे में जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसका ये दूसरा भाग है। इसमें मैं आपको हमारे सेवा सिंधु में और हमारे सेवा सिंधु प्लस में दोनों भी तरफ से मैं आपको किस तरीके से एप्लीकेशन डाला जाता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं बताऊंगा। और इसके बाद में एक और जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डायरेक्टली एक कस्टमर जो हमारे पास आता है, जिनके तरफ से मैं एप्लीकेशन लेता हूं और डालता हूं, उसके बारे में वहीं पे आपको पूरा संक्षिप्त से बताऊंगा, जिससे कि आपको भी इजी हो, मतलब सुलभ हो एप्लीकेशन भरने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है ये हमारा सेवा सिंधु। सेवा सिंधु है, यहाँ पे हम लोगों ने पूरे पब्लिक के लिए, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसे छोड़ा है। तो यहाँ पे आप सेवा सिंधु में ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर की तरफ ये कन्नड़ा में लिखा है, ऑटो चालक रो, टैक्सी चालक रो, कोविड-19 अवधि अल्ली परिहारा वितरसी ओदो, ये कन्नड़ा में है। आप इंग्लिश भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आंग्ला भाषा में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अंग्रेजी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको एक और टैब ओपन होगा। उस टैब में आपको क्या क्या डालना है, कैसा डालना है, सब होगा। देखिए, कल ही ये वेबसाइट ओपन हुआ है, कृपया करके जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से डालिए, आपके पास बहुत समय है। आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ठीक होना चाहिए, आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल की जो संख्या होती है वो भी आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। ये देखिए, डिसबर्समेंट ऑफ कैश रिलीफ टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स फॉर कोविड-19, ये जो है इसे आप प्रेस कीजिए, मतलब दबाइए। दबाने के बाद आपको एक टैब ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन भरना होगा। ये पूरा पब्लिक के लिए दिया गया है। सो पब्लिक लोगों को मेरी एक गुजारिश है आपसे, मैं फिर से विनती करता हूँ, जो आप एप्लीकेशन भरने वाले हैं कृपया करके बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आपको नहीं मालूम हुआ तो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, मतलब सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ पे पूछिए आपका ये सीएससी है क्या। सीएससी में जाइए, हमारे वीएलई बंधु लोग हैं, मतलब भाई बहन लोग हैं, उनके पास जाइए, उनके पास पूछिए कि इसे कैसा भरा जाता है। वो लोग आपको संक्षिप्त रूप से बताएंगे और उनके तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी फिलअप करने में, तो आपको ये इजी होगा। ये सब मैं एक पब्लिक लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी भी गलती करते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप जितना हो सके अपने जितना नज़दीक हो वहाँ पे, कहाँ पे है सीएससी, कहाँ पे है कॉमन सर्विस, कहाँ पे है सेंटर, कहाँ पे है, वहाँ पे जाइए। फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी के तरफ से, हमारे दिनेश त्यागी जी की तरफ से जो सीएससी से जो उपलब्धियां बहुत लोगों को मिली है, बहुत लोगों को रोजी रोटी मिली है, उनका फिर से तहे दिल मैं धन्यवाद करता हूं। और सब लोगों को ये भी मैं बोलता हूं
कि और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे नियरेस्ट मतलब बहुत नजदीकी जो हमारा सेवा सिंधु केंद्र है, मतलब हमारे सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाइए, हमारे भाई बंधुओं के पास पूछिए, वो आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे और जो भी आपका क्लैरिफिकेशंस है वहाँ पे करेंगे और इसे फिलअप करके देंगे। ये तो पब्लिक पोर्टल है जहाँ पे आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से वहाँ पे जाने से ये उपयुक्त होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, सॉरी, प्लीज एंटर द एप्लीकेशन ओनली इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी भाषा में ही ये एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा, तो ये पहला दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला तो आपका नाम, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब है जो अर्जीदार होता है, जो एप्लीकेशन डाल रहा है उसका नाम। नाम में कृपया ये ध्यान रखिए आपका जो इनिशियल होता है, जो आधार में सामने या पीछे, उसे प्रीफिक्स या सफिक्स बोलते हैं, वहाँ पे अगर आप जैसा है वैसा ही आप उसे डालिएगा। आधार का नंबर डालिए, आधार का नंबर भी ठीक होना चाहिए, आपका मोबाइल का नंबर डालिए, और मोबाइल का नंबर डालते समय ये ध्यान रखिए कि आधार के साथ ये मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आपको जाएगा वो आधार के लिंक पे जो बैंक होगा वही बैंक पे आपका पैसा जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपका नाम, जो आप नाम डाल रहे हैं सामने या पीछे, जो आपका इनिशियल है वो आधार में जैसा है वैसे ही डालिए। जो आधार नंबर है और उसका जो लिंक हुआ जो मोबाइल नंबर है वो नंबर को डालिए। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप अभी बस रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपका घर है, मतलब जो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस को डालिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे ये एप्लीकेशन भरते हैं आप, यहाँ पे एक स्टार का चिन्ह होता है, नक्षत्र का चिन्ह होता है, ये जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसे आपको भरना ही पड़ता है। और देखिए उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, हमारे बैंगलोर में इतने, हमारे पूरे कर्नाटक में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप रहते हैं जहाँ पे, उसे सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैं एक सैम्पल में बता रहा हूँ, बैंगलोर अर्बन मैंने दबाया है। उसके बाद में तालुक, तालुक दबाते ही आपको एक ऐसा टैब ओपन होगा, एक और एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे आप बैंगलोर में कहाँ पे हैं, बैंगलोर ईस्ट में है, बैंगलोर नॉर्थ में है, बैंगलोर साउथ में है, इस तरीके से आप जिस चाहिए जिसे चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके आप, मैं कोई एक कर रहा हूँ, अंदाजे से कर रहा हूँ, तो आपको दिखाने के लिए आने वाले वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन भरा जाता है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ सब बताता हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ का दबाइए, नॉर्थ का दबाने के बाद इसे ओके दीजिए, ओके होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब वर्ग, वर्ग और प्रवर्ग, जैसे कि शेड्यूल कैस्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और अदर्स है। ये जो बंधु भाई लोग हैं अपना अपना कैस्ट को यहाँ पे ले लीजिए, अदर्स में आपको सब कुछ आ जाएगा, टू ए कैटेगरी या सब अलग जो भी है वो सब आ जाएगा। आप किसी एक को चुनिए, किसी एक को चुन के आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो चिन्ह है इसे यस, इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में नीचे आइए, आपका डीएल का जो है, डीएल का पूरा नंबर मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, आपका गाड़ी का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा नंबर आप डालिए। कृपया करके इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस आप जो डाल रहे हैं, हर 4 नंबर मतलब आपका जो नंबर डालते हैं, फलाना फलाना नंबर जो डालते हैं, वो नंबर डालने के बाद 4 नंबर के बाद एक स्पेस दीजिए, फिर से 4 नंबर डालिए, फिर से स्पेस दीजिए। इस तरीके से इसे भरना है। भरते ही आपका डीएल का वैलिडिटी डेट मतलब कितने समय तक उसका वैलिडिटी है वहाँ पे लिखा रहेगा, वो वैलिडिटी डेट डालिए। और डीएल इसके नीचे देखिए, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द डीएल, डीएल में जो नाम लिखा हुआ है, आपका जो नाम वहाँ पे है वही नाम को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, बैड्स का नंबर रहता है डीएल पे, आपका बैड्स का नंबर रहता है, वो नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। वो संख्या, बैड्स की जो संख्या होती है वो संख्या आपके डीएल पे ही होगा, उसको यहाँ पे डालना है। व्हीकल, क्लास ऑफ द व्हीकल, देखिए क्लास ऑफ द व्हीकल में मेरे को, मुझे बहुत से प्रश्न आए हैं, मुझे बहुत से कॉल आए हैं, ये क्या होता है। देखिए 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर, 8 सीटर ऐसा होता है, ये अलग अलग भिन्न प्रकार के क्लासेस होते हैं। वो क्लास को आप गूगल में डाल के देखिए,
कौन सा क्लास किस में आता है उसके बारे में मैं फिलअप करते टाइम आपको मैं दूसरे वीडियो में मैं बता के दूंगा। तो वो क्लास के रीति में आप इसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हीकल का नंबर डालिए, आपका गाड़ी का नंबर डालिए, गाड़ी का चारसी नंबर होता है, हर एक गाड़ी का एक चारसी का नंबर होता है। चारसी का नंबर मतलब उसका मेन नंबर होता है, बहुत लंबा होता है, तो आप उतना लंबा डालने के लिए जरूरत नहीं है। आखिर में मतलब एंड में जब पूरा नंबर का लास्ट में जो होता है उसका 5 नंबर, केवल 5 नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिए, ठीक है। और आरसी में, वो आरसी में आपका जो नाम है वो नाम डालिए, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल क्लास, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसका भी व्हीकल का क्लास डाल सकते हैं। बहुत लोगों ने ये पूछा है कि सर मेरा एक गुड्स का गाड़ी है, मैं कर सकता हूँ क्या? देखिए, गुड्स के गाड़ी के बारे में तो दिया नहीं गया है यहाँ पे, ऑटो और टैक्सी के बारे में दिया गया है। अगर प्रत्येक रूप से अगर मुझे उसके बारे में मालूम होती है तो मैं फिर से वो वीडियो में मैं डाल दूंगा। अभी तो फिलहाल ऑटो और टैक्सी के बारे में है, जो पैसेंजर गाड़ी है तो उसके बारे में है। पैसेंजर गाड़ी जिससे वो येलो बोर्ड होता है वो कमाता है, उसके तरफ से ये दिया गया है। तो अगर कोई डाउट्स है तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी समय, 24 आवर्स 365 डेज, मतलब 24 घंटा 300 कितना 65 दिन, जितना है उतना दिन भी आप कभी भी मुझे आप अपना कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने के लिए बद्ध रहूंगा, मैं बताऊंगा आपको, आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी मतलब वही मैंने आपको बताया कि सीटिंग कैपेसिटी क्या होता है आपके गाड़ी का, उसका आप डालना पड़ता है, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिडेट डेट, ये फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब बहुत लोगों ने पूछा, FC बोल के आता है गाड़ी का, उसका वैलिडिटी डेट रहता है कि ये साल से ये साल तक, ये महीने से ये महीने तक, ये FC सब लोगों को कराना पड़ता है। तो येलो बोर्ड में मतलब पीले बोर्ड में जो गाड़ी चलता है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पे डालिएगा। ये इसे टिक कर लीजिए, यस यस दोनों भी टिक कर लीजिए, उसके बाद में इसको इसको भी टिक कर लीजिए, इसका जो कैप्चा है यहाँ पे डाल के सबमिट कीजिए। उसके बाद में आपको कनेक्शन आएगा और उसे भरना पड़ेगा। ये इसी प्रकार से, ये तो पब्लिक पोर्टल हो गया। अभी मैं आपको हमारे CSE के तरफ से जो सेवा सिंधु में ऐड हुआ है, जो बंधु बांधव है मतलब हमारे जो भाई बहन है सेवा सिंधु में, जो VLE लोग काम करते हैं, मतलब CSE में जो VLE काम करते हैं उनके पास जाके आप जब पूछते हैं तो वो लोग नॉर्मल पोर्टल में नहीं करते हैं, वो अपने ही आईडी के द्वारा इसे यूज करते हैं। तो उसके तरफ से उनका एक फॉलोअप होता है कि वो एप्लीकेशन का नंबर उनके पास रहता है, और ये दिस इज द प्रॉपर वे। सो आप जहाँ पे अपने सेवा केंद्र में आप जाते हैं वहाँ पे सब VLE की तरफ से आपको हर एक प्रकार के आपको सेवा मिलेगी, आपको हर एक तरह से आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो वहाँ पे जाइए, मैं ये अपने CSE बंधु लोगों से बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पे जाइए, जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस बोल के रहता है, इसे दबाइए। दबाने के बाद व्यू ऑल सर्विसेज दबाइए, मतलब पूरे सर्विसेज को देखने के लिए इसे दबाइए। दबाने के बाद आप ये लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को, फिर से मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि जब से मेरा ये था क्लोज था। 1 मिनट फिर से करता हूँ। देखिए, पहले आप सेवा सिंधु प्लस में जाइए, मतलब ये CSE बंधु बंधु लोगों के लिए है, CSE में जो काम कर रहे हैं उनके लिए है क्योंकि उनका लॉगिन रहता है, तो उनके तरफ से ये काम करने के लिए होता है, ठीक है। इससे लॉगिन करते हैं, इससे लॉगिन करके आपका एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, बताता हूँ 1 मिनट। इस तरीके से आता है, इस तरीके से आने के बाद आपका यहाँ लॉगिन होता है। सो यहाँ पे लॉगिन हो जाइए, लॉगिन होने के बाद
आप अप्लाई फॉर द सर्विसेस बोल के है, वहाँ पे दबाइए। दबाने के बाद आपको व्यू ऑल सर्विसेस आएगा। यहाँ पे आप सिंपल से, मतलब बहुत आसानी से, यहाँ पे सर्विस बोल के आता है, वहाँ पे जाइए। मुझे बहुत लोगों से मुझे कॉल आता है, हमारे कर्नाटका में बहुत सारे भाई बहन हैं जो धारवाड़, बीदर, विजयपुर, श्रीनिवासपुर, नॉर्थ कर्नाटका, मतलब उत्तर कन्नड़ से, और दक्षिण कर्नाटक, मैसूर, हासन, और हर जगह से मुझे कॉल आता है। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि उनको मैं कॉल करने के बाद उनका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि बहुत लोग आज सीएससी के बारे में जान रहे हैं, और सीएससी में जो हमारे वीएलई बंधु हैं उनको हमारे काम के बारे में मालूम हो रहा है। वो लोग बहुत प्रसन्नता से बोलते हैं कि सर, आपने बताया, वो प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है, आज मैं कमा सक रहा हूँ सर। तो ये खुशी की बात है कि हमारे सीएससी के द्वारा बहुत सारे चीज हैं जो हम अपने कॉमन पीपल, हमारे जो सब लोगों को है, हमारी तरफ से सहायता कर सकते हैं, और हमारी रोजी रोटी भी हम कमा सक रहे हैं। इसके लिए फिर से मैं अपने दिनेश त्यागी जी को और हमारे मोदी जी को मैं इसका धन्यवाद देता हूँ, जो अच्छा हमें एक पोर्टल दिया है जिसकी तरफ से हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कृपया क्षमा कीजिए, मैं आपको यहाँ पे आई हैव डाइवर्टेड माई थिंग, सो आई जस्ट गो बैक टू दैट। मैं फिर से पुनः वहीं पे जाता हूँ। ऑटो बोल के यहाँ पे दबाइए, AUTO। ये ऑटो दबाते ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। ये सीएससी में जो काम कर रहे हैं वीएलई लोगों के लिए है। तो देखिए, डिसबर्समेंट ऑफ कैश रिलीफ टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स फॉर COVID-19। देखिए ये जो आ रहा है इसके ऊपर आप दबाइएगा, ठीक है। ये दबाते ही आपको इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको पब्लिक पोर्टल और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग जो सीएससी के में काम कर रहे हैं, दैट इज सेफ हमारे तरफ हर एक क्षमा कीजिए। तो हम लोगों का कर्तव्य ये बनता है, जो हम लोग सीएससी हैं और जो हम लोग वीएलई हैं, हम लोग जो नॉर्मल पोर्टल है उससे अच्छा, इससे जब हम लोग करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन डालते हैं हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड रहता है कि हम लोगों ने ये डाला है, तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्रत्येक रूप से गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, हम लोग वी आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल। वी आर नथिंग बट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सीएससी। हम लोग हमारे सीएससी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम लोग सीएससी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे काम ठीक से कर सकते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम लोग धीरे से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सब वीएलईओं से ये गुजारिश करता हूँ कि हम लोग इस तरीके से इस पोर्टल में जाके इसे यूज करें, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद देखिए पूरा सेम ही आता है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यहाँ पे डालने के बाद आप सबमिट डालिए, उसके बाद में आपका जो उसका डॉक्यूमेंट्स है उसे भी अपलोड कीजिए, और इसे समाप्त करके उनको हंसी खुशी भेज दीजिए, ठीक है। तो इतना करके मैं ये समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्स को भरा जाता है और किस तरीके से आपको इसका सबमिशन देना पड़ता है, वो सब मैं बताऊंगा। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत विनम्रता से और बहुत सहिष्णुता से आपने ये वीडियो को देखा है, और मैं आपको आपको फिर से एक गुजारिश करता हूँ, आपसे एक निवेदन करता हूँ कि सब लोग कर्नाटका विमेन वीएलई सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको मालूम होगा, बस उतना ही है। और एक और बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का मतलब है कि दूसरे लोगों को आप एजुकेट करें कि हम लोग, हमारे सीएससी वाले लोग, हमारे सीएससी में जो बंधु हैं, हमारे वीएलई लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो सब लोगों को मालूम होगा और सब लोग
उसकी एक जो भी उपयोगिता है उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। लाइक करने से हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि नया नया हम लोग कुछ कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। इतना करके मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार।